नमस्कार आदाब सत श्री अकाल आप सभी को राधा स्वामी सिटी मैम में आप सभी का स्वागत है। मैं प्रीति चंद्रा एक बार फिर हाजिर हूँ आज के अनमोल विचार के साथ। कितने अनमोल है ये सत्संग के रिश्ते, जानते नहीं किसी को लेकिन फिर भी अपने से लगते हैं। राधा स्वामी सत्संग व्यास के सवाल जवाब सत्र के दौरान पूछे गए प्रश्न भले ही किसी एक संगत ने क्या हो लेकिन बाबा जी द्वारा दिए गए उत्तर अनेकों संगत के मन की शंकाओं को दूर करते हैं। देखिए आज संगत ने बाबा जी से निजी जीवन भजन सिमरन को लेकर क्या क्या प्रश्न किए। ये महत्वपूर्ण अंश आरएसएस भी चैनल से ले गए। पूरा वीडियो तो हम आपको अपनी नीतियों के कारण नहीं दिखा सकते। पूरे वीडियो को देखने के लिए लिंक हमने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो देखिए बाबा जी ने क्या उत्तर दिया। बाबा जी मेरा पहला क्वेश्चन ये है, जब आप कोई गलती करते हैं तो जिदा कर्म भी बन जाते हैं, असि कर्म खत्म तो नहीं कर सकते, जो उन्होंने घट करना हो कर सकते बेटा। सीखो, गलती भी इंसान ही करूगा, आपा तो है ही गलतियां के पुतले, इसे करके तो सानू जन्म लेना पिया दोबारा। हुण इह मौका दिता है मालिक ने सीखण वास्ते, जे आपां सीख के सही रस्ते नूं अपनावांगे उहदी बख्शिश ही बख्शिश है। मगर गलती की माफी मंग ली, गलती की माफी मंग ली, फिर बेटा बोझ सानू चुकना पौ। इस करके सीखो, जिंदगी नूं सवारो और सही रस्ते नूं अपनाओ। ते बाबा जी मेरा दूजा क्वेश्चन आया कि जे मैं जिद्दां कोई चीज सोचदा तां बहुत ज्यादा ओवरथिंकिंग कर जांदा उस गल नूं, ते बहुत ज्यादा अगे सोच लैंदा मैं उस गल नूं, ते किद्दां मतलब कि ओवरथिंकिंग मैं घट करां। ते बेटा हुण सारा काम सोचण नाल तां नहीं होणा, मगर शुरुआत विच सोच भी जरूरी है, मगर सोच के कदम उठाओ, किसी हद तक सोच के फिर कदम उठाना बेटा, नतीजा मिलूगा जो आप कदम उठावे, सिर्फ सोचने दे नाल नहीं। दिमाग बहुत टेंस हो जाता बाबा जी बाद बेटा, टेंशन दे नाल इंसान गलत कदम उठाओ जो बोझ पैंदा है का। इस करके बेहतर यही है कि आप एक बैलेंस रखी है और बैलेंस रख के अगे वधन की कोशिश करिए बेटा। थैंक यू बाबा जी, दया मेहर बनाए रखा। स्वामी सत्संग व्यास से जुड़ी हर अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। आज का वीडियो आपको कैसा लगा अपने विचार हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आने पर अधिक से अधिक लाइक एंड शेयर भी करें।